स्टूडेंट्स नाउ कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है हमारे पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर पोल्यूशन? एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म इज़ द राइट आंसर। Soil pollution is mainly caused due to pesticides and microorganisms, organic matter, inorganic matter, composite. Correct option is inorganic matter. Now third one is solid particles suspended in air cause heart attack, stomach disease, liver disease, lungs disease. Correct one is lungs disease. What is the best option for managing non-biodegradable things? Burning, wasting, digging in the soil, recycling. Correct option is recycling. Biodegradable products are a source to increase pollution, decrease pollution, proliferate the pollution, deteriorate water quality. Correct is decrease pollution. Which of the following can be a source of reduction in pollution? Use of non-biodegradable products, excessive use of sprays, use of eco-friendly products, use of air conditioners. Option C is the right option. Which one of the following is not an important atmospheric pollutant? Oxygen, sulfur dioxide, carbon dioxide, hydrocarbons. Option D is correct, that is hydrocarbons. Which of the following disease is not caused by water pollution? Cholera, typhoid, eye allergy, dysentery. Option C, eye allergy is correct option. Which of the following material is not biodegradable material? Dead animals, dead plants, leftover food, plastics. Option D is correct, plastics. Choose a biodegradable material, canes, glass, dead plants, electricity, waves. Option C, dead plants is correct option. Come to the briefly questions, that is answer the following questions briefly. ठीक है, आपने इनके जो answers हैं वो short form में देने हैं. Question number 1, question 3, ये दो questions हैं जो आपने पिछली week में attempt कर लिए थे. ठीक है, अब जो questions जिन पे steric बना हुआ है वो आपने questions जो हैं जो कि question number 2, 4 and 5 हैं. ठीक है, question 2, 4 and 5 पे स्टार बना है. ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये आपने अभी अटेम्प्ट करने हैं. इस वीक का टास्क है ये आपका. क्वेश्चन टू इज इन लिस्ट सम मेजर्स टू रिमूव पोल्यूशन फ्रॉम एनवायरनमेंट. कौन से वो मेजर्स हैं? ठीक है, आप कोई ऐसे इकदाम लिखें जिनके ज़रिए से हम अपने माहौल में से पोल्यूशन को, आलूदगी को ख़त्म कर सकें. पेज नंबर 50, कम टू पेज नंबर 50. पेज नंबर 50 पे हमारे पास है मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन. इसमें जो पॉइंट्स जिन पे टिक मार्क किया गया है वो वाले पॉइंट्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिखने हैं. स्टॉप नंबर 1 जो है वो है स्टॉप स्मोकिंग और डू नॉट थ्रो कंटेनर्स ऑन द ग्राउंड. नंबर 2, चूज टू वॉक और राइड अ बाइसिकल इफ पॉसिबल. नंबर 3, ऑलवेज यूज़ रिसाइकल्ड मटेरियल्स. नंबर 4, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड ट्राई टू इम्प्रूव ग्रीन बेल्ट्स. नंबर 5, ऑलवेज यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. ये जो 5 पॉइंट्स आपको अभी डिक्टेट करवाए गए हैं ये आपने जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो अभी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 उसका ये आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4,
How can you differentiate biodegradable and non-biodegradable substances? और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, Why do we avoid the use of polythene bags? ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, इनका आपको इमेज मिलेगा या आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। आपने रिटन फॉर्म में जो आपको ये मटेरियल मिलेगा, वहाँ से देख के आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। अब जो हमने क्वेश्चंस है हम नीचे करेंगे, इनमें हमने क्या करना है कि डिटेल में इनके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 1 एंड 2, ये आपके पिछले वीक में हो चुके हैं, ठीक है। इस वीक का आपका क्या टास्क है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। आपने क्या करना है, वो इकदाम लिखने हैं जिसके ज़रिए से आलूदगी को जो है हम अपने माहौल से कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आपको मिलेगा पेज नंबर 50 पे। हम आ गए हैं पेज नंबर 50 पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब यहाँ पे जिन पॉइंट्स पे स्टार बना हुआ है, ये वाले पॉइंट्स आपने इस क्वेश्चन में आंसर के तौर पे लिखने हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास है, नंबर 1 पे आपने लिखना है स्टॉप स्मोकिंग, नंबर 2 ड्राइव इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स, नंबर 3 कीप योर व्हीकल इन गुड रनिंग कंडीशन, नंबर 4 चूज़ टू वॉक और राइड अ बाइसिकल इफ़ पॉसिबल, नंबर 5 ऑलवेज यूज रिसाइकल्ड मटेरियल्स, नंबर 6 प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड ट्राई टू इम्प्रूव ग्रीन बेल्ट्स, नंबर 5 ऑलवेज यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट इज ऑलवेज ब्रिंग बैग फ्रॉम योर हाउस व्हेन यू शॉप, लेस यूज ऑफ एयर कंडीशन एंड नो यूज ऑफ हीटर, ओके। ये जो ये वाला जो पॉइंट है, ये आपने यहाँ तक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिड्यूस द लेवल ऑफ पर्सनल कंजम्पशन, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड ट्राई टू इम्प्रूव ग्रीन बेल्ट्स, आपने किस पॉइंट तक लिखना है, यहाँ तक, रिड्यूस द लेवल ऑफ पर्सनल कंजम्पशन तक, ठीक है। ये जो स्टेरिक में जिन पे स्टार लगा हुआ है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये आपने लॉन्ग में लिखने हैं, और जो जिन पे टिक मार्क हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने हैं, ठीक है। और जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 था, तो ये यहाँ तक आपने लिखना है, इसी तरह इसको भी शॉर्ट करके यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कम टू एक्सरसाइज। क्वेश्चन 4 इज डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ऑन द एनवायरनमेंट। आपने नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का इम्पैक्ट बताना है, असरात बताने हैं अपनी एनवायरनमेंट पे। पेज नंबर 52 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो हम चलते हैं पेज नंबर 52 पे। यहाँ पे हमने हम आ गए हैं पेज नंबर 52 पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिलेगा। देयर आर, आपने कैसे लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, राइट डाउन करना। देयर आर 3 मेजर लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स दैट आर, नंबर 1 कॉन्टेमिनेटेड ग्राउंड वाटर, नंबर 2 आउटगैसिंग, नंबर 3 दे कैन एंटर फूड चेन। कॉन्टेमिनेटेड ग्राउंड वाटर, केमिकल्स यूज्ड इन वाटर बॉटल्स, फूड कंटेनर्स एंड हार्ड प्लास्टिक्स एक्सेट्रा लीक इनटू ग्राउंड वाटर, दस कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वाटर। पॉइंट नंबर 2 आउटगैसिंग, प्लास्टिक पोल्यूट्स द एयर इन मच द सेम वे इट पोल्यूट्स वाटर सप्लाइज। कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू हीट मेल्ट्स प्लास्टिक, emitting gases into the atmosphere is a process in a process known as outgassing. Number 3, they can enter food chain, coming into the food chain and consequently leading to
serious health hazards is a typical ill effect of non-biodegradable materials. अब जो आपको डिक्टेट करके बताया गया है आपने उसी तरह से इसका आंसर लिखना है. यहाँ से आपने स्टार्ट करना है देयर आर से और यहाँ पे आपने एंड करना है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स पे. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द वेज टू इरेडिकेट द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स फ्रॉम एनवायरमेंट. आंसर आपने किस तरह से लिखना है. फॉलोइंग आर द वेज टू इरेडिकेट द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स फ्रॉम एनवायरमेंट. इसके बाद आ जाना है आपने पेज नंबर 52 पे. ठीक है, पेज नंबर 52 और 53 पे इसका आंसर आपको मिलेगा. नाउ कम टू पेज नंबर 52. पेज नंबर 52 पे हमारे पास है सेपरेटिंग वेस्ट. पॉइंट नंबर 1 है सेपरेटिंग वेस्ट द सिंपलेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट वे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बीइंग जनरेटेड बाय अस एवरी डे इज टू सेपरेट द वेस्ट इन आवर होम्स इटसेल्फ. नंबर 2, रिसाइकल. वंस द वेस्ट इज सेपरेटेड वन कैन गो थ्रू ऑल द आइटम्स इन द ब्लू बिन एंड लुक फॉर पॉसिबल रिसाइकलिंग मेथड्स. नंबर 3, अवॉइड यूजिंग पॉली बैग्स एंड गो फॉर पेपर और क्लॉथ बैग्स. यहाँ से आपने इसको लिखना स्टार्ट करना है. पॉलीथीन इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द एनवायरमेंट सो द यूज़ ऑफ पॉली बैग्स शैल बी लिमिटेड टू एज लेस एज पॉसिबल. फिर नेक्स्ट पेज से आपने स्टार्ट करना है. पेपर बैग्स कैन बी अ स्मार्टर चॉइस और इवन अ बेटर चॉइस इज क्लॉथ बैग्स. पॉइंट नंबर 4, रिड्यूस द वेस्ट गोइंग इनटू द लैंडफिल्स. इसको आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है. द गार्बेज पाइल्ड अप इन अ लैंडफिल produces methane that is a greenhouse gas so we should reduce the waste going into the landfills by collecting it separately. ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं. इसके बाद जो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कॉज शॉर्ट टर्म पोल्यूशन वाइल नॉन बायोडिग्रेडेबल कॉज लॉन्ग टर्म पोल्यूशन. एलेबोरेट द स्टेटमेंट. कहते हैं कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो थोड़े टाइम के लिए पोल्यूशन कॉज करते हैं और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो लंबे अरसे के लिए पोल्यूशन का बायस बनते हैं. इस स्टेटमेंट को आपने एलेबोरेट करना है, इसकी वजाहत करनी है. ठीक है, ये आपको यहाँ पे रिटन फॉर्म में नज़र आ रहा है और साथ में आपको इसका इमेज भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा. यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट है.